दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम वरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गौतम वरिया पे। दोस्तों, बारिश की सीजन चल रही है और बारिश की सीजन में आप देखोगे कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी यानी कि जैसे चश्मे पहनने वाले लोग अगर चश्मा पहन के AC हॉल से बाहर जाते हैं तो बाहर निकलते ही उनके चश्मे के ऊपर एक फॉग जम जाती है या ओस जम जाती है, तो ऐसा हमारे कैमरे के लेंसेज के ऊपर भी अप्लाई होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा कैमरे का बॉडी के अंदर बहुत सारे सर्किट है, उसमें बहुत सारा वायरिंग है, सेंसर है, उसके बाद अपना जो लेंस है तो लेंस के ऊपर बहुत सारे कांच है, तो वो भी जब हम AC से बाहर निकलते हैं या बारिश की सीज़न में जो ह्यूमिडिटी होती है और हमारे कैमरे कहीं रखे होते हैं तो उसके अंदर फंगस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, जो दरिया के किनारे वाले शहर है जैसे लाइक मुंबई, कोलकाता, गुजरात में हो गया सूरत, पोरबंदर के जो दरिया किनारे हैं, उन लोगों को तो ज़्यादा ही इसका असर होता है और उनके कैमरे बिगड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें ख़रीदना पड़ता है ड्राई बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ड्राई बॉक्स जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक रेफ्रिजरेटर टाइप ड्राई बॉक्स होता है जिसमें अपने कैमरे और लेंसेज जो यूज़ नहीं होते हैं, या बारिश की सीज़न में ऐसे भी ऑफ सीज़न होता है तो बारिश की सीज़न में वो कैमरे हम यूज़ नहीं करते तो उसके अंदर हम रख देते हैं और फंगस से बचाते हैं। लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो मैं आज आपको बताऊँगा कि सिर्फ 900 रुपीज़ में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 900 रुपीज़ में आप अपना ड्राई बॉक्स घर पर कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक थर्मोकोल का बैग। हालांकि मैं आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ वो अमेज़ॉन पे मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। दोस्तों, ये अगर आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करोगे ना, तो एक होता है ना कहावत है, चराने की मुर्गी बहराने का मसाला, ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये आप डायरेक्ट कहीं से खरीद सो आपके शहर में से तो आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा, बिकॉज़ ये कहीं पे कुरियर जाएगा। सीधी बात है, मैं आपको अगर इसको कुरियर भेजूंगा ना तो इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस बहुत लगेगा। तो ये आइस बॉक्स आपके शहर में कहीं पे भी मिल जाएगा, जिसको आइस बॉक्स हम बोलते हैं, थर्मोकोल का बॉक्स है, ये अभी बिल्कुल एम्प्टी है। तो दोस्तों, एक आइस बॉक्स आपको चाहिए। दूसरा चाहिए आपको हीटिंग पैड। ये हीटिंग पैड यानी कि जिसको ज़्यादा कमर दर्द होता होगा उसको पता होगा कि हीटिंग पैड कहाँ लगाया जाता है। तो ये हीटिंग पैड कमर दर्द के हिसाब से आपकी मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा, और नीचे मैं अमेज़ॉन की लिंक डाल रहा हूँ जो आप देखो, अभी मैंने ऑन करके रखा है तो इसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये टेम्परेचर, और ये है टेम्परेचर मीटर। ये लोकल सिटी में मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो ये अमेज़ॉन से ही आप ऑर्डर कर देना, और कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है इसकी। तो ये सारा सामान मेरा 900 रुपीज़ में कंप्लीट हो गया। थर्मोकोल के बॉक्स को ओपन करके कोई भी एक कॉर्नर पे इतना डिस्टेंस छोड़ के जो हमारा हीटिंग पैड है उसका वायर जो कि अंदर जाए उसके लिए हमें जगह बनानी है, तो उसको आराम से ध्यान से काट लीजिए। थर्मोकोल है, कोई भी चाकू, छुरी, कैंची या कोई भी धार वाली चीज़ से आपका ये पोर्शन कट जाएगा। और ये इसलिए बना रहे कि जब हम पैड अंदर रखेंगे तो वायर जो होगा वो फिटिंग सही ढंग से होगा, तो बाहर की एयर अंदर नहीं जा पाएगी और अंदर का टेम्परेचर बरकरार रहेगा। वीडियो में बताए गए अनुसार वायर को उसी जगह से निकालें और जो पुराना थर्मोकोल का हिस्सा वहाँ से निकाला था उसको अच्छे से काट के फेविकोल के साथ फिर से वहाँ चिपका दें, ताकि आपका बक्सा अच्छा लगे, कटा हुआ ना लगे। उसके बाद आपका जो हीटिंग पैड है उसको पेपर यूपिन से अच्छी तरह से लगा दे, ताकि वो वहाँ से हिले नहीं और आपके कैमरे रखते और निकालते वक्त वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए इसको अच्छे से लगाना ज़रूरी है। अगर चारों कोनों को इसी तरह लगाया जाएगा तो आपका हीटिंग पैड वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। आपका जो मीटर है यानी कि जो रीड करेगा कि अंदर कितना हीट है, वो मीटर को बक्से में बाहर की तरफ लगाने के लिए पहले आउटलाइन ड्रॉ करके कितना हिस्सा काटना है उसका नाप बना दे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है।
वाइट है ब्लैक मार्कर से ऊपर पेंट कर दिया, और ये जो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ इतना हिस्सा मुझे निकालना है। तो तेज़ धार चाकू लेके मैंने इतना हिस्सा काट लिया ताकि फिर से उसी जगह पर मैं उस मीटर को जो मेरा हीटिंग रीड करेगा वो मीटर को यहाँ पे लगा सकूँ। ये मीटर लगाना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगाने से आपका बॉक्स थोड़ा सा तो प्रोफेशनल लगेगा। अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अंदर कितना हीटिंग है, ओवर हीटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आप कभी भी देख सकते हो। और अंदर आपका जो ह्यूमिडिटी हीटिंग है वो बंद तो नहीं हो गया है ना, इसीलिए आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। थर्मोकोल को अच्छे से काट के निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पे अपना जो हीटिंग का मीटर है उसका वायर अच्छे से संभाल के अंदर से और फिर यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि और ये ध्यान रखिए सीधा लगे, उल्टा ना फिट हो जाए, तो ये सीधा लगे उस तरह से इसको फिक्स कर दीजिए यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो अभी मेरा जो कमरे का टेम्परेचर है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे कमरे में टेम्परेचर कितना है। हीटिंग मीटर का जो सेंसर है उसको भी एक यूपिन लेकर अच्छे से अंदर से फिक्स करें ताकि वो वहाँ की हीटिंग रीड कर पाए। अभी आप देख सकते हो मेरा कैमरे का बॉडी, लेंस, फ्लैश, ट्रिगर, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रख के इसको बंद कर दूंगा ताकि जो बाहर की ह्यूमिडिटी है या फंगस है वो मेरे लेंस को प्रोटेक्ट करेगी। अब मेरे लेंस सुरक्षित है कि उनको ऐसी बारिश की सीजन में फंगस नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके भी महंगे कैमरे हैं, महंगे इक्विपमेंट्स हैं, तो उसकी केयर करें ताकि आपको जब भी कुछ काम करना है तब आपके कैमरे खराब ना हो जाए। है थर्मोकोल के डिब्बे को बंद, और आप देख सकते हो कि मेरे पास जो हीटिंग पैड का जो रिमोट है उसमें टेम्परेचर, उसमें कितने घंटे तक, आप चाहे तो 45 टू 55 का टेम्परेचर रख के आप छोड़ सकते हो जो कि आपके कैमरे को सुरक्षित गर्मी देता रहेगा, और 8 से 10 घंटे उसको ऑन रखिए ताकि ये आपका कैमरा वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो टेम्परेचर मीटर है वो अंदर जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है उतना रीड करके बाहर टेम्परेचर दिखा रहा है, तो ये मीटर यही काम करता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम नए वीडियो और आपके लिए बनाते रहें। और हाँ, आप भी अपने कैमरे की प्रोटेक्शन के लिए ऐसा बॉक्स ज़रूर बनाएं और ये वीडियो बहुत सारे फोटोग्राफर के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कैमरे सुरक्षित रहें। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जी।